Good evening, students. Another more important topic about in human resource management, that is promotions. Basically, what is promotion? That is the upward movement. जो transfer था वो था lateral और horizontal movement, है ना? So now upward is promotional, upward movement. Upward मतलब in hierarchy, है ना? जब आपकी movement होगी, है ना, upper level पे, तो अब क्या क्या होगा उसको उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोशन बोलेंगे. नाउ बेसिकली जो है इससे क्या होता है, आपकी वेजेस, सैलरीज, ठीक है, आपका आपका जो प्रेस्टीज, आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज जो है वो जनरली इंक्रीज होती हैं. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रमोशंस, प्रमोशंस के क्या पर्पस हो सकते हैं, पर्पस हो सकते हैं. तो बेसिकली इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉई, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, है ना. उसको लगता है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इसके लिए हूँ. इट क्रिएट द लॉयल्टी, इंटरेस्ट, मॉरल, बूस्ट द मॉरल और एटीट्यूड ड्यू टुवर्ड वर्क, ठीक है. इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है एम्प्लॉय की, उसको एक रिकॉग्निशन और रिवार्ड मिलता है एम्प्लॉय को, जिससे वो मोटिवेटेड फील होता है. देन इम्प्रेस अपॉन अदर्स, इम्प्रेस अपॉन अदर्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिव फेयर कॉम्पिटिशन बनता है और दूसरे को भी लगता है कि नहीं यार, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ना कहीं मुझे क्या है जो है प्रमोशन मिलेगा, ठीक है. तो लॉयल्टी इंक्रीज, और समटाइम क्या होता है कि जो वेकेंसीज होती हैं वो फिल्ड हो जाती हैं. सो दीज आर द पर्पस ऑफ प्रमोशंस. नाउ वील डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं इसके. सो प्रिंसिपल्स में अगर हम बात करें, सो जनरली अगर प्रमोशंस करनी है तो एक एचआर मैनेजर जो होता है, द वन हु प्रमोट द एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हो सकते हैं या बाहर के एम्प्लॉय होते हैं, तो एचआर मैनेजर को ये डिसाइड कर लेना चाहिए पहले एडवांस में कि जो पर्टिकुलर जिस पोजीशन के लिए मुझे प्रमोट करना है, जिस पर हायर करना है, वो इंटरनली हमें जो है लेना है एम्प्लॉय या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू वो प्रोसेस करना है, ठीक है. नंबर वन. नंबर टू, क्राइटेरिया फॉर इंटरनल प्लेसमेंट. अगर इंटरनल प्लेसमेंट करनी है मुझे, इंटरनल प्रमोशन करनी है मुझे, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरिया या किन चीज़ों को लेकर मैं जो हूँ जो है करूँगा, जो रिक्रूटमेंट है वो करूँगा, है ना. सो क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके लिए. देन इसके बाद आता है प्रमोशन जो है वो टाइम बाउंड एक्टिविटी है. सो टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ क्यों हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है, ये एडवांस में डिसाइडेड होना चाहिए कि कितने टाइम में मुझे प्रमोशन करनी है. और जनरली ये कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्या है, टाइमली प्रमोशन करनी चाहिए जब भी वेकेंसी हो, है ना. बट नॉट ऑलवेज, नहीं तो इससे क्या होता है, उसका बिल्स, उसका पे आउट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके खर्चे बढ़ते हैं इससे, ठीक है. दूसरा जो है ये टाइम बाउंड एक्टिविटी है. सो समटाइम क्या है, ये वैकेंसी बेस्ड है और समटाइम क्या है, नॉन वैकेंसी बेस्ड है. सो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा. सो वो क्या होता है कि जब वैकेंट होगी पोजीशन तभी प्रमोशंस की जाएंगी. तो टाइम बाउंड एक्टिविटी है. और अगर वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये तब है जब वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, तो जब वैकेंसी होंगी भर देंगे. अब समटाइम क्या होता है, ये वैकेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो वैकेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जब वैकेंसी होगी तभी प्रमोशन किया जाएगा. नाउ लिमिट ऑफ डिजायरेबल लेवल, लिमिट्स ऑफ डिजायरेबल लेवल में कि समटाइम जो है पर्टिकुलर जो लेवल है उसकी एक लिमिट रहती है. तो लिमिट के अकॉर्डिंग क्या है पर्टिकुलर लेवल पे, कि हाँ एक पोस्ट है, फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर वन पोस्ट है, तो हम क्या है मल्टीपल पर्संस को रिक्रूट या प्रमोट नहीं कर सकते. समटाइम जो है क्या रहता है, सीनियोरिटी के बेसिस पे रहती है. तो सीनियोरिटी जो है इससे क्या होता है, क्या नुकसान है सीनियोरिटी की, कॉम्पिटेंट
अथॉरिटी समटाइम नहीं भी मिलता है, तो हमें सीनियर मोस्ट जो पर्सन होगा जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स वर्किंग होंगे उसको हम प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। देन जब भी आप प्रमोशन करें तो प्रमोशंस के रूल्स जो हैं वो यूनियंस जो भी लेबर यूनियंस हैं उसको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसमें है कि जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं वो हर नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होने चाहिए, सो दैट कि जो डिजायरेबल कैंडिडेट हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सके। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशंस। नाउ अब हमें पता चल गया है कि प्रमोशंस के क्या पर्पसेस होते हैं और क्या प्रिंसिपल हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज काइंडली शेयर सब्सक्राइब माई चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।